पेरिस ओलंपिक्स में बुधवार भारत को तीसरा मेडल मिल गया है। बता दें कि 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में मेंस कैटेगरी में शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। साथ ही स्वप्निल ने कुल 451.4 अंक हासिल किए। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार के ओलंपिक्स में अब तक तीनों मेडल शूटिंग इवेंट्स में ही मिले हैं। वहीं स्वप्निल कुसाले 2015 में कुवैत में हुई एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रोन थ्री इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। उन्होंने 59वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गगन नारंग और चेन सिंह जैसे शूटर्स को हराया था। स्वप्निल कुसाले ने 2015 में कुवैत में हुए एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रोन थ्री इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 59वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गगन नारंग और चेन सिंह जैसे बड़े शूटर को हराकर जीत हासिल कर चुके हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है, मेरा बच्चा आज ओलंपिक का मेडल मिला। हमारा महाराष्ट्र का क्रीड़ा प्रबोधनी में उसका जन्म हुआ और 2017 के बाद वो मेरे रेलवेज में आया और रेलवे का भी आज हमारे सब खिलाड़ियों ने उसको मीन्स मैं बता नहीं सकता, इतना सुख मिल रहा है कि हमारे नासिक क्रीड़ा प्रबोधनी पूना महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का इतना शूटिंग रेंज, ये सिर्फ पैदा हुआ था ओलंपिक का मेडल लाने के लिए। आज उस सब की खुशी मिल रही है, हम कोचिस को तो हमारा बच्चा है उसका जीतना तो हमारे लिए सबसे सुखमय है। बहुत बहुत आनंद हो रहा है, उसने जो मेहनत की थी वो पूरा अपना घरदार छोड़ के पूना में पूरा सेटल हुआ था, उसके पहले 7 साल नासिक में रहा और वो अपना घरदार छोड़ के नासिक में 8 साल रहा, उसके बाद पूना में इतने साल, अभी तो उसकी नौकरी भी पूना में है। और ये सबको आज उसके त्याग को उसकी मेहनत को बहुत सफलता मिली, उसे मुझे बहुत बहुत खुशी है।